हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। आप लोग जब 9th में थे तब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी और अब आप लोग प्रमोट होकर क्लास 10th में आ गए। जैसा आप सभी को पता है, जैसा आप सभी को पता है कि जो है जो कोविड-19 जो वायरस है उसकी वजह से अब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोगों की नीड, आप लोगों की जो एजुकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। तो आप सभी जानते हैं मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता था और इंग्लिश आज भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका कोर्स काफ़ी रिड्यूस्ड हो गया है। रिड्यूस का मतलब काफ़ी कम हो गया है। इंग्लिश में आपके शुरू के 4 चैप्टर ही पूछे जाएंगे, सॉक्रेटिस तक, और सप्लीमेंट्री में विक्रमादित्य तक यानी 2, और पोएट्री में केवल 3 पोएम्स आपसे पूछी जाएंगी। ग्रामर में वही कोर्स है, ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अभी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बुक्स ले लें जिन्होंने नहीं ली हैं। मुझे उम्मीद है कि ले ली होगी। जिन लोगों ने नहीं लिए हैं बुक्स ले लें, क्योंकि हाई स्कूल का एग्ज़ाम तो देना ही है और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सेशन को 0 नहीं करेंगे, यानी वो एग्ज़ाम लेंगे चाहे जिस तरह से लें। तो फिर आपको पढ़ना है चाहे जिस तरह से पढ़ें, देर इज नो अदर चॉइस। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ना ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने बुक्स नहीं लिए हैं वो बुक्स ले लें। मैं अभी आपको अपना नंबर दे दे रहा हूँ, आप जो है मुझे बता दें, है ना, फ़ोन करके बुक्स ले ली हैं। तो मैं 2 या 3 दिन बाद आपका जो है फर्स्ट पार्ट भी पढ़ाना शुरू करूँगा। फर्स्ट पार्ट में आप 35 मार्क्स का होता है, उसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और सेकेंड पार्ट ग्रामर का होता है। ग्रामर पार्ट में एक हिस्सा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाना शुरू करना चाहूँगा, है ना। और ये बोर्ड एग्जाम में इसकी वैल्यू है मार्क्स, 3 मार्क्स की, यानी ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपका इंटरमीडिएट में भी चलेगा, फिर कंपिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। और आप जल्दी से फ़ोन करके जल्दी से बुक्स लेकर इन्फॉर्म करिए। फिर मैं ऐसा करूँगा कि 3 दिन आपका ग्रामर चलाऊँगा जैसे, और 3 दिन आपका जो है बुक चलाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं आज आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आपका स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं कि जो है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है क्या, क्या है डायरेक्ट स्पीच? दो पार्ट है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब स्पीकर अपनी बात को सीधे सीधे बगैर किसी चेंज के प्रेजेंट कर देता है, बगैर किसी चेंज के प्रस्तुत कर देता है, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट, ध्यान दें। डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर। उर्दू नहीं बोल रहा हूं, आराम से समझ में आएगा। डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट है एग्जैक्ट वर्ड्स की, सटीक शब्दों की या वास्तविक शब्दों की, यूज्ड बाय अ स्पीकर, जिसका प्रयोग एक स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक, जैसे मैंने कहा ही सेड, आई एम पुअर। ओके,
पुअर। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच क्यों है? क्योंकि जो ही सेड उसने कहा आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, जैसा उसने कहा वैसा यहां उसको प्रेजेंट कर दिया गया, लिख दिया गया, ये डायरेक्ट, इसलिए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बेटा दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में ये तो आपका स्पीकर हो गया जो बोलने वाला ही है ना, और ये जो बचा है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही सेड पूरा ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग रिपोर्टिंग क्लास भी कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसमें जो ये सेट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ध्यान दीजिए, यही चीज आप सब पकड़ लेंगे, बस ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीकर जो होता है वो कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई सूचना देता है, और जो वो सूचना देता है, जो इंफॉर्मेशन वो देता है, वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है। जैसे उसने सूचना दी, क्या सूचना दी? आई एम पुअर। ठीक है, क्या हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच शुरू में रहेगी और हमेशा रिपोर्टेड स्पीच आखिर में रहेगी? देयर इज नो सच रूल, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कहें राजा इज प्लेइंग, राजा खेल रहा है ना, सेड रिया। ठीक है, सेड रिया, सॉरी। अब इसमें देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा वाला क्लास पहले आया है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा में होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच ही होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। जैसे यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच ही सेट है, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच सेट रिया है। ठीक है ना, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच आई एम पुअर है, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच राजा इज प्लेइंग है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगी, चाहे वो पहले लिखी जाए या बाद में लिखी जाए, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी, चाहे वो पहले लिखी जाए चाहे बाद में लिखी जाए। ओके, अच्छा, अब तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि स्पीकर जो भी बात कह रहा है ना, जो वक्ता, जो स्पीकर जो बात कर रहा है, उसको बगैर किसी परिवर्तन के उसी उसके मूल शब्दों में, मूल रूप में जब प्रकट कर दिया जाए तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो इस तरह से ये दोनों डायरेक्ट स्पीच है। मैं को जब अब जैसे मैं इसको मान लिया इनडायरेक्ट में बदलना हूं, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, जो स्पीकर द्वारा कहे गया स्टेटमेंट है उसमें अपनी तरफ से चेंज लाते हैं, है ना। जैसे अगर हमको इसको इनडायरेक्ट करना हो तो हम लिखेंगे ही सेड दैट। अब आइए सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। अभी आप ये ना समझिए, सोचिए कि कैसे बदल देंगे। अभी हम केवल इतना बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच इस तरह से होता है, इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से होता है। मैं धीरे धीरे आपको परिवर्तन बताता रहूंगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी समझ में ना आए, और कोई ऐसी चीज इस चैप्टर में नहीं है कि मैं आपको समझा ना पाऊं। बस आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए, ही सेड दैट आई, बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से ही, तो ही हो गया।
अंग का पास्ट होता है वाज दैट ही वाज पुअर। ओके अब इसमें देखिए, अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट बनाने में एक रूल ये है कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच सबसे पहले लिखनी होगी, जैसे सेट लिया है यही लिखनी होगी, और उसमें भी सबसे पहले स्पीकर लिखा जाएगा, यानी इस सेट से शुरू कर देंगे। तो आप लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, यही लिखे दे रहे ना ऊपर, रिया सेट, रिया सेट दैट राजा, अब नाम नहीं बदल जाएगा, राजा वाज प्लेइंग। ठीक है, तो ये मूल बात हो गई। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी बात को कहने के बहुत सारे ढंग होते हैं, जैसे उसमें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, अफर्मेटिव, निगेटिव, उसी तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि हम स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को है ना उसी के मूल रूप में ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दें। अगर इंग्लिश भाषा में डेफिनेशन में जाएं तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज द रिपोर्ट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स है ना यूज बाय अ स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय अ स्पीकर। तो अब उसमें डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जैसे ही सेड है या कुछ भी है जो भी बाहर है इन्वर्टेड कॉमा के, जैसे इसमें लिखा है ही सेड बाहर है, सेड लिया बाहर है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। इसकी जो वर्ब होती है, जैसे यहाँ पर सेड है, यहाँ पर भी सेड है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब। जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई एम पुअर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है राजा इज प्लेइंग। ठीक है, तो मैंने इस पर समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में है ना मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स पर आएंगे, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। ये मेरा नंबर है ना, आप लोग मुझे इस पर अपनी अपने कमेंट कर सकते हैं। आप जो ये वीडियो भेजे जा रहे हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पर मुझ पर मुझसे आप सीधी बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मुझको बता सकते हैं, कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम हो। नाइन एट थ्री नाइन एट सेवन नाइन सिक्स नाइन एट रविंद्र अवस्थी है ना मेरा नाम है ना ऑन पेपर, वैसे मुझे आप सभी जानते हैं टिंकू सर के नाम से, है ना। उम्मीद है जो बात मैंने आपको ये बताई है आपको समझ में आएगी, आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से आपको शुरू करेंगे, इस बात का रिवीजन भी करेंगे। ठीक, हैव अ नाइस डे।